केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया। सुशासन सप्ताह की थीम है प्रशासन गांव की ओर, लोक शिकायतों के निवारण और सेवाओं में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है जो देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का आइकॉनिक सप्ताह 20 दिसंबर से 26 दिसंबर 2021 तक चलाया जाएगा। 22 दिसंबर 2021 को मत्स्य विभाग शीत जल मत्स्य पालन पर एक वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन करेगा व 23 दिसंबर 2021 को मत्स्य पालन अभियान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर एक और वेबिनार आयोजित किया जाएगा। प्रसार भारती और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण कलाकारों के कलाओं व कार्यक्रमों का प्रदर्शन दूरदर्शन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किए जाएंगे। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आयाम को सामने लाना और इन कलाकारों को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने पर किदांबी श्रीकांत को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऐतिहासिक रजत पदक जीतने के लिए किदांबी श्रीकांत को बधाई। यह जीत कई खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी और बैडमिंटन में और रुचि पैदा होगी। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने रविवार को चंडीगढ़ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित बैठक में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के प्रमुख इस्पात उपयोगकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत बढ़ी हुई घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए भारत में इस्पात का उत्पादन सालाना 300 मिलियन टन करने की परिकल्पना की गई है। केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, उद्योग व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है।